York St. John University. York St. John University, often abbreviated as a YSJ, is a public university located on large urban campus in York, England. Established in 1841, it achieved university status in 2006. In 2015, the university was given research degree awarding power. York St. John University rank is 120 in the UK, while the university holds 2294th rank in the world 2021 overall ranking. York University ranked 83rd in the Times University Guide. York University ranked 120 in the UK and 302nd in the world 2022 overall ranking. They have the ranking like everywhere. They are improving and moving towards achieving the higher number. जो इनकी रिक्वायरमेंट है, द हाईएस्ट लेवल जो क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है उसमें आपने एसएससी कंप्लीट किया वो प्लस फाउंडेशन ईयर, लाइक इंटरमीडिएट प्लस फाउंडेशन ईयर अगर आपने किया यू आर एलिजिबल। योर अपना भी फाउंडेशन ईयर ऑफर कर रही होती है, इंटरमीडिएट का डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं चाहिए होता है। पोस्ट ग्रेड में अगर बात करूँ तो आप समझेंगे 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री आपके पास होना बहुत जरूरी है विद गुड ग्रेड्स। कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मुझे नहीं मिली, 50-55% अगर आपके पास हैं आप एलिजिबल होते हैं। ए लेवल्स वाला और आईबी वाला तो बड़ा इजीली इसमें एडमिशन ले ही लेता है विद गुड ग्रेड्स अगर आपके पास हों। आईएलटीएस की बात करूँ तो आईएलटीएस 6.0 विद नो लेस देन 5.5 होना बहुत जरूरी है। टॉफिल अगर होम एडिशन की बात करूँ तो ओवरऑल 75, जिसमें लिसनिंग 17, रीडिंग 18, स्पीकिंग 20 और राइटिंग 20 होना बहुत ज़रूरी है तो वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, टॉफिल जो है इस यूनिवर्सिटी में जो है वो अदर फॉर्म ऑफ टॉफिल जो भी है, क्योंकि मैंने आपको टॉफिल होम एडिशन का है वो एक्सेप्टेबल है, अदर फॉर्म जो है टॉफिल की वो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप टॉफिल दें तो होम एडिशन देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपने अगर कुछ अदर टॉफिल कर लिए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आईएलटीएस दे दें तो आपका उसको आपको एक्सेप्ट कर लेती है यूनिवर्सिटी जनरल अकेडमी। इसकी बात करते हैं ट्यूशन फीस के ऊपर, ये बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के प्रोग्राम, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बिजनेस, इंजीनियरिंग, एजुकेशन के प्रोग्राम ऑफर करती है। फीस 13,000 pounds। हेल्थ साइंसेज, लॉ, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी की आप प्रोग्राम ऑफर करिए, साइकोलॉजी की ऑफर करिए, फीस स्टैंडर्ड सेम है। साइंसेज की डिग्री ले लें, एनी बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम यू कैन स्टडी 13,000 pounds पर एनम पर। पोस्ट ग्रेड में भी ना इन्होंने फीसें सेम ही रखी हुई हैं। अच्छा, पोस्ट ग्रेड में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ऑफर हो रही है, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर है, बिजनेस की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, एजुकेशन की डिग्री है, फीस वही उन्होंने 13,000 pounds रखा हुआ है। हेल्थ साइंसेज भी इनके पास ऑफर हो रहा है, मास्टर्स ऑफ लॉ भी आपको मिलेगा। अच्छा, साइंसेज की डिग्री के अंदर बड़ी वैरायटी वेरिएशन आपको मिल जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो ये 10,300 pounds में ही ऑफर कर रही है ओनली। साइकोलॉजी सेम 13,000 में है, फिजियोथेरेपी लेकिन आपको 18,400 pounds में मिलता है। तो मेजोरिटी पोस्ट ग्रेड के जो प्रोग्राम्स हैं वो 13,000 में है। कोई स्पेसिफिक एक प्रोग्राम बहुत ही सस्ता है जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिजियोथेरेपी, थोड़ा सा 18,400 तक चला जाता है। बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के ऊपर, दे डू ऑफर ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। ये यॉर्क का जो मेन कैंपस है वहीं आपको मिलता है, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, जिसमें मैंने इसमें क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। ये अंडर ग्रेजुएट टोट कोर्स प्रोग्राम के ऊपर है, आपको अराउंड समझें कि 3,750 pounds तक का पर ईयर का स्कॉलरशिप मिल जाता है। बैचलर्स के स्टूडेंट्स को अवेल कर सकते हैं, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि किन किन प्रोग्राम्स के ऊपर ये स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ पर आप जाते हैं तो उसकी तमाम टोटल लिस्ट प्रोग्राम की और सारी चीज़ें आपको बड़ी ईजिली मिल जाती हैं। हाउ यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप और हाउ यू एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू अचीव इट। सेकंड जो है वो सेम, वो तो अभी जो बताया वो अपना अंडर ग्रेड के लिए था। दिस इज कॉल्ड योर सेंट जॉन ग्लोबल पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप। वो अंडर ग्रेड था, ये पोस्ट ग्रेड का है, ये भी सेम नाम सेम ही है, बस उन्होंने वेरिएशन डिफरेंट कर दिया अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड के लिए। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, इसमें पोस्ट ग्रेड के जितने भी मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है। ये भी टॉट प्रोग्राम के लिए है। इसका जो डिस्काउंट है वो अराउंड 2,500 pounds तक का मिलता है। आपकी लास्ट बैचलर्स की डिग्री फर्स्ट क्लास से अचीव होना बहुत ज़रूरी है तो आपको 2,500 तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो अगर समझेंगे 75-80% मार्क्स हैं तो मिल जाएगा। अगर आपने जस्ट 2-1 यूके स्टैंडर्ड भी किया हो तो 2,000 pounds का है, उससे नीचे आ जाए तो 1,500 pounds का भी। अगर आपने 2-2 अपर सेकंड क्लास किया हो तो 1,500 pounds तक का भी मिल जाता है। हायर द ग्रेड हायर द चांसेस, तो 2,500 से लेकर 1,500 pounds तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। और जो उसकी अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने अपनी वेबसाइट studyabroadupdates.com वहाँ पर मैंशन की हुई है।